পা টেপানোর অভিযোগ অভিযোগ শোনার আগে পা টিপে দিতে হবে থানার দারোগার তারপরে তিনি অভিযোগ শুনবেন নেবেন এবং তারপর তদন্ত করবেন এমনই ভয়ঙ্কর বড়সড় অভিযোগ উঠল লখনউয়ে দেখছেন সেই ছবি এখন ভাইরাল হয়ে গিয়েছে পা টিপে দিতে হবে পুলিশের এবং তবেই তিনি অভিযোগ শুনবেন এবং পরবর্তী তদন্ত চালাবেন সেই ছবি দেখতে পাচ্ছেন লখনউয়ের ঠাকুরগঞ্জ থানার এই ঘটনা এই নিয়ে কথা বলবো প্রতিনিধি মনীষের সঙ্গে মনীষ কে জানকারি মিল রয়েছে এই বারে মে जी बिल्कुल, जिस प्रकार से ये देखा जाए कि ये लखनऊ का ये मामला है और ठाकुरगंज के एक चौकी इंचार्ज के द्वारा जो है इस प्रकार की हरकतें कर रहे हैं, जो भी पीड़ित जो है जब इनके चौकी पे जाकर के अपनी प्रॉब्लम लेकर के पहुंचता है तो सबसे पहले इन चौकी इंचार्ज का सबसे पहला काम होता है कि अपनी सेवा कराते हैं, मतलब की पैर जबाना, अपना उनसे जो काम करवाना चौकी का, तो इस प्रकार की उनके द्वारा जो है ये हरकतें की जा रही है, जो वीडियो वायरल हुआ है। अब ये देखना है जिस प्रकार से वीडियो वायरल होने के बाद जो है लखनऊ के पुलिस अधिकारी तक ये पूरा मामला जो है पहुंच गया है। कई लोगों से अधिकारी से बात करने का प्रयास किया गया तो उन्होंने कहा कि वीडियो को हम अब सेटिस्फाइड कर रहे हैं, सेटिस्फाइड करने के दौरान इस पर तय किया जाएगा कि उनके प्रति जो है क्या कार्रवाई की जाए। जी जी, सिर्फ इनके साथ ही ऐसा काम किया है उन्होंने या फिर इससे पहले भी ऐसी आरोप उन पर लगा है, किसी और के साथ भी ऐसा किया है ये दारोगा ने? मनीष आप हमारे साथ है? सुनाई दे रहे मनीष? क्लियर होती है, सामने आ रही कि उनका ये काम ही है कि कोई भी पीड़ित जो है, चाहे जो ये शख्स जो आज पहुंचा था, इसके अलावा इससे पहले भी कोई शख्स जो भी अपनी प्रॉब्लम लेकर के इनके पास पहुंचा है तो उसके द्वारा जो है अपनी सेवा कराई जाए, हाथ पैर उनके द्वारा दबवाए जाते हैं, अपनी सेवा कराते हैं, चौकी में जो काम होता है वो कराया जाता है, तब उनकी जो है प्रॉब्लम को जो है इनके द्वारा जो है सुना जाता है और उसके बाद जो है कार्रवाई की जाती है। जी, इससे पहले किसी ने कोई किसी एफआईआर दर्ज नहीं किया इनके खिलाफ, इस दरोगा के खिलाफ, इसलिए? जी बिल्कुल, ये अगर देखा जाए तो ये एक मामला जो है वीडियो आज ये वायरल हुआ है, लेकिन इनकी जो हरकतें हैं वो अब सामने आने लगी कि जिस प्रकार से जो है पुलिस के जो आला अधिकारी हैं उन्होंने भी इस पूरे मामले को संज्ञान में ले लिया है। संज्ञान लेने के दौरान जो है अब उनके जो जांच के दौरान ये चीजें क्लियर हो रही हैं कि इससे पहले भी उनके द्वारा जो है इस प्रकार की हरकतें की जाती थी, इससे पहले भी जो भी पीड़ित पहुंचता था उसके द्वारा जो है इसी प्रकार से जो है काम करवाया जाता था या अपनी सेवा कराई जाती थी। तो कह सकते हैं कि लखनऊ के ठाकुरगंज थाना के ये हादसा है, पुलिस डिपार्टमेंट इस बारे में क्या कह रहा है? पुलिस के आला अधिकारियों का साफ तौर से ये कहना है कि ये वीडियो अब सामने आ चुका है और जो जांच के की चीजों को देखा जाए तो अब तक ये चीज निकल गया है कि इससे पहले भी कई जो पीड़ित है उनके द्वारा भी इसी प्रकार की हरकतें जो है पुलिस के जो ये इंचार्ज हैं, इंस्पेक्टर हैं, उनके द्वारा की जा रही थी। अब जिस प्रकार से ये वीडियो आज ये वायरल हुआ है तो उसके दौरान इसमें जितनी सत्यता होगी उसके बाद जो है पुलिस के आला अधिकारी जो है इनके ऊपर कार्रवाई करने की बात कह रहे हैं। शुक्रिया मनीष, কথা বলছিলাম প্রতিনিধি মনীষ তিওয়ারির সঙ্গে।